बार पुनः आप सभी का, और हम अध्ययन कर रहे थे मेरिस्टमैटिक टिश्यू की। हम एक्चुअल में बात करें, हम अध्ययन कर रहे थे प्लांट टिश्यू की, और प्लांट टिश्यू में हमारा टॉपिक चल रहा था मेरिस्टमैटिक टिश्यू या विद्युतक उतर, और आज मैं लेके आया हूँ इसका भाग चार। इसके पहले के भागों को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई होगी, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज चाहूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू का भाग चार, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशन की, उत्पत्ति और विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, के आधार पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया था, उत्पत्ति और विकास के आधार पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है प्राक विद्युतक या प्रो मेरिस्टेम, दूसरा प्राथमिक विद्युतक या प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा द्वितीयक विद्युतक या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो चलिए इनको हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं प्राक विद्युतक या प्रो मेरिस्टेम की बात करते हैं, या जिसको हम प्रो मॉडियल मेरिस्टेम भी कहते हैं, साथ ही इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहा जाता है, या अर्व मेरिस्टेम भी कहा जाता है। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भाई जब भी हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो उसका डेवलपमेंट किससे होगा? डेवलपमेंट होता है जायगोट से, और जायगोट में जो सबसे पहले पाया जाने वाला ऊतक होता है वही ऊतक क्या कहलाता है? प्राक विद्युतक ऊतक कहलाता है, क्या? प्रो मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहलाता है। देखिए, तो यहां पर हमने क्या लिखा कि यह भ्रूणावस्था में सबसे पहले विकसित होने वाला ऊतक होता है, भ्रूण में, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? जायगोट से हो रही है, और जायगोट क्या होता है? किसी भी प्लांट की पहली कोशिका होती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो ऊतक है वही ऊतक क्या कहलाएगा? प्राक विद्युतक ऊतक कहलाएगा, अर्थात यह सबसे पहले विकसित होने वाला ऊतक है। दूसरी बात, इसकी उत्पत्ति जायगोट से भ्रूणोद्भवन के द्वारा होती है। जायगोट से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इस दौरान इसकी उत्पत्ति होती है। तीसरी बात, भ्रूण के भ्रूणाक्ष अर्थात एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊतक प्राक विद्युतक ऊतक होते हैं। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का एम्ब्रियोनिक एक्सिस के जो ऊतक होते हैं वो ऊतक क्या कहलाते हैं? प्राक विद्युतक ऊतक कहलाते हैं, और यही विद्युतक ऊतक आगे चलकर जो है पौधे के प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र का निर्माण करते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि प्राक विद्युतक ऊतक हमेशा जो रूट होती है, स्टेम होती है, मूल एवं तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि यहां मूल एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, और इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? इसका काम होता है प्राथमिक विद्युतक ऊतक का निर्माण करना। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्राथमिक विद्युतक ऊतक का निर्माण करना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे ऊतक की, और दूसरा ऊतक जो है वो है प्राथमिक विद्युतक ऊतक। अगर हम प्राथमिक विद्युतक ऊतक की बात करें तो सबसे पहले हम देते हैं उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि ऐसा विद्युतक ऊतक जिसकी उत्पत्ति प्राक विद्युतक ऊतक के द्वारा होती है, जिसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? प्राक विद्युतक ऊतक के द्वारा हो रही है, ऐसा जो ऊतक है वो कहलाता है प्राथमिक विद्युतक ऊतक या प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहलाता है। जनरली यहां कहां पाया जाता है? यहां जड़, तने तथा उपांगों के शीर्ष पर, जिसको हम बोल रहे हैं एपिकल इन जो होता है, एपिकल इन पर पाया जाता है। इसके साथ साथ अंतरवेशी भागों पर भी यहां पाया जाता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें क्या हुई? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक विद्युतक ऊतक ऐसे विद्युतक ऊतक होते हैं जो प्राक विद्युतक ऊतक से निर्मित होते हैं, प्रो मेरिस्टेम से उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कहां पाए जा रहे हैं? जड़, तने तथा उपांगों के शीर्ष भाग पर तथा अंतरवेशी भागों पर ये पाए जाते हैं।
चलिए इसके कार्यों की बात कर ले। अगर हम इसके कार्य की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करना इसका सबसे पहला काम होता है। ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण करना जो है वो इसका काम होता है। तो दो ऊतक हमने देख लिए। चलिए अब तीसरे प्रकार के ऊतक की बात करें, और तीसरे प्रकार का जो ऊतक है वो कहलाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम या द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक। अब द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करें। द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक से तात्पर्य है कि ऐसे विभाजोत्तक ऊतक जिसका निर्माण प्राथमिक स्थायी ऊतकों की जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि कैसे प्राथमिक स्थायी ऊतकों की जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए हमने क्या समझा कि जो प्राथमिक विभाजोत्तक ऊतक है वो किसका निर्माण कर रहा है, प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण कर रहा है। और स्थायी ऊतकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें पाए जाने वाले जो कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जिस टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाता है उसी टिश्यू को हम बोलते हैं द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक। और ये जो द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक है यहाँ जड़ की एधा या कैम्बियम में या तने की कार्प कैम्बियम में या अंतरापुलीय एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में पाया जाता है। और ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये पौधों की मोटाई में वृद्धि करती है। अर्थात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वह सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या काम करता है, पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसके काम की अगर हम बात करें तो जनरली सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है वो द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है, द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये तीनों ऊतक की बात करें, प्राथमिक विभाजोत्तक ऊतक और द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए जब भी किसी प्लांट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट कहां से होगा, जायगोट से होगा। जायगोट में पाया जाने वाला पहला ऊतक कौन सा होगा, पहला ऊतक होगा प्रोमेरिस्टेम। यहाँ पर ध्यान में रखना है प्राक विभाजोत्तक ऊतक होगा। अब यही प्राक विभाजोत्तक ऊतक किसका निर्माण करेगा, प्राथमिक विभाजोत्तक ऊतक का निर्माण करेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करेगा। अब देखिए ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम की जो कोशिकाएं हैं ये विभेदन के द्वारा, डिफ्रेंसिएशन के द्वारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करेंगी, प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण करेंगी। और इन्हीं प्राथमिक स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं के द्वारा, जनरली स्थायी ऊतकों में क्या होता है विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा द्वितीयक विभाजोत्तक ऊतक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण किया जाता है। और यही सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो सेल्स है वो डिफरेंशिएशन के माध्यम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा है भाई, सेकेंडरी मेरिस्टेम के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा, और वह क्लासिफिकेशन किस आधार पर था, उत्पत्ति और विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को समझा है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और आधार पर कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का और किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।